स्टूडेंट्स, आज हमें स्टार्ट करना है क्वाड्रिलेटर डीएल डीई 11। हमारे पास क्या गेम होगा? हमारे पास गेम होगा 3 तो साइड स्क्रीन होगी एंड 2 एंगल स्क्रीन होगी। 3 हमारे पास साइड स्क्रीन है और 2 एंगल स्क्रीन है। इसकी हेल्प से हमें क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करना है। अब क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले रफ डायग्राम, सबसे पहले रफ डायग्राम को बनाते हैं। अब जो साइड्स की लेंथ गिवन है, जो एंगल गिवन है, उसको हम राइट कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है डी, बी से ए की लेंथ और फोर सेंटीमीटर, ई ए बी से ए की लेंथ की लेंथ 5 सेंटीमीटर, ए से आर, ए से आर की लेंथ की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, एंगल ई गिवन है 60 डिग्री, इसका यूज करते हुए हम क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई ए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। उसके बाद ई पर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री का, तो कंपास को लेंथ को एक बार फिक्स कर दो, यहाँ पर हाफ सर्कल लाइन, ठीक है। जो फर्स्ट आर्क होती है हमारे पास, जो फर्स्ट आर्क होती है वो कितने डिग्री होती है? 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें पता है ई से जो डी की लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का पास ओवर करनी है, और यहाँ पर हमारा लगा देंगे 4 सेंटीमीटर। जहाँ पर ये स्पाइन को आर्क कट कर रही है वहां पर हम मान लेंगे डी, यहां पर परिणाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, ए पर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री का, तो ए पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देना, कंपास की लेंथ को फिक्स करो और ये आर्क बना दो, सेंटर बना दो। अब फर्स्ट आर्क कितनी होती है? 60, सेकंड आर्क 120, 60 और 120 से हम क्या ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री एंगल। यहाँ पर रखने के बाद यहाँ से ऐसे, यहाँ पर रखने के बाद यहाँ से ऐसे, तो हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ये 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें पता है ए से आर की लेंथ कितनी है, ए से आर की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, ए से ए पर ऊपर 4.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है, यहाँ पर कंपास की ओपन करनी है,